गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल वेल विथ योर फैमिली मेम्बर्स। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। आज मैं आपको एक सेंटेंस के जो पार्ट्स होते हैं उसको सिखाने के लिए जा रहा हूँ। वी ऑल नो अ सेंटेंस इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। एक जो सेंटेंस होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट इज सब्जेक्ट एंड सेकेंड इज प्रेडिकेट। पहला पार्ट जो होता है वो सब्जेक्ट होता है और जो दूसरा पार्ट होता है वो प्रेडिकेट होता है। लेकिन जो सब्जेक्ट पार्ट होता है वो भी कई पार्ट्स में डिवाइड होता है और पहले हम इसी चीज़ का वर्णन करेंगे। जनरल भाषा में बात की जाती है तो जिसके बारे में बात की जाती है वो सब्जेक्ट होता है और वो जो काम करता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ये एक जनरल भाषा में हमको सिखाया गया है। लेकिन हम यहाँ पर बात करते हैं सब्जेक्ट में भी कितने पार्ट्स होते हैं, तो आज हम उसका वर्णन करते हैं। अ बॉय सेव्ड अ चाइल्ड, एक लड़के ने बच्चे को बचाया। तो अ इसमें डिटरमाइनर है, यानी डिटरमाइनर हमको ये बताता है कि कोई भी जो सब्जेक्ट है वो संख्या में कितना है, एक है, दो है, यह है, वह है, ये संख्या को जो चीज़ बताती है। और दिस और दैट को, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को जो बताती है वो कहलाता है हमारा डिटरमाइनर। यानी कि तो अ बॉय सेव्ड अ चाइल्ड, ये सेव्ड अ चाइल्ड आप देख रहे हैं या प्रेडिकेट पार्ट, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी हम आपसे केवल बात करेंगे सब्जेक्ट के बारे में। तो किसने एक बच्चे को बचाया? एक लड़के ने, यानी कि एक लड़के ने बचाया। तो एक लड़का जो है वो दो हिस्सों में बट गया, अ और बॉय। तो बॉय जो है वो मेन वर्ड है और अ क्या बता रहा है, डिटरमाइनर, यानी एक लड़के ने। तो यानी यहाँ पर सब्जेक्ट दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, अ और बॉय। सेकेंड है अ ब्रेव बॉय सेव्ड अ चाइल्ड। तो किसने एक बच्चे को बचाया? एक बहादुर लड़के ने। यानी कि यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो तीन हिस्सों में डिवाइड हो गया। अ हो गया डिटरमाइनर जो बता रहा है कि लड़का एक है, और ब्रेव जो है वो हो गई हमारे हेडवर्ड यानी बॉय की विशेषता। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस जो है वो तीन हिस्सों में बट गया है और वो है अ ब्रेव बॉय, यानी एक बहादुर लड़का। अ हो गया डिटरमाइनर, ब्रेव हो गया एडजेक्टिव और बॉय हो गया हेड बॉय। सेंटेंस है दोस प्रिटी फ्लावर्स आर फेडेड, वे सुंदर फूल मुरझा गए हैं। तो मेन वर्ड जो है, हेड वर्ड जो है वो हो गया फ्लावर्स यानी फूल, प्रिटी यानी हो गई उनकी विशेषता, और डिटरमाइनर यानी कौन से फूल, वे फूल। तो ये हमको संकेत दे रहा है, यहाँ पर हमको संख्या नहीं है बल्कि संकेत है कि वे सुंदर फूल। तो हमारा सब्जेक्ट तीन हिस्सों में डिवाइड हो गया, यानी कि हेड वर्ड को हम एक या दो शब्दों में उसका वर्णन कर सकते हैं। तो फ्लावर्स को हमने दो शब्दों में बताया, प्रिटी और दोस्त। दोस्त प्रिटी फ्लावर्स, ये हमारा सब्जेक्ट है जिसमें दोस्त क्वालिफायर है जो संकेत कर रहा है, प्रिटी उसकी विशेषता है और फ्लावर्स जो है वो मेन वर्ड है। नेक्स्ट सेंटेंस है सम नॉटी बॉयज आर शाउटिंग, कुछ शरारती लड़के चिल्ला रहे हैं। तो कौन चिल्ला रहे हैं? कुछ शरारती लड़के, यानी हमारा सब्जेक्ट फिर से तीन हिस्सों में टूट गया है। सम डिटरमाइनर यानी संख्या बता रहा है, नॉटी विशेषता बता रहा है एज एन एडजेक्टिव, और बॉयज जो है वो है मेन वर्ड, यानी कुछ शरारती लड़के। यानी बॉयज की दो विशेषताएं हैं, बॉयज नॉटी भी हैं और बॉयज संख्या में सम भी हैं। कभी कभी जो है वो हमारा इन्फिनिटिव यानी वर्ब के पहले अगर हम टू लगा देते हैं तो वो भी कभी कभी सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। टू वॉक इन द मॉर्निंग, यानी कि उस काम को हम किस समय कर रहे हैं, ये एडजेक्टिव फ्रेज कहलाता है। किसी सब्जेक्ट की विशेषता को बताना भी एक तरीके से एडजेक्टिव फ्रेज और सब्जेक्ट के अंदर आता है। तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा क्या है? स्वास्थ्य के लिए अच्छा है सुबह घूमना, तो घूमना हो गया आपका एडवर्ब यानी कि सब्जेक्ट। और कब घूमना, यानी इन द मॉर्निंग, टू वॉक इन द मॉर्निंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, ये भी एज अ सब्जेक्ट के रूप में काम करना है। That beautiful child in blue dress is smiling, वह सुंदर लड़का नीली ड्रेस पहने हुए मुस्करा रहा है। तो कौन मुस्करा रहा है? यहाँ पर हमने सब्जेक्ट को चार हिस्सों में बांटा है। पहला क्वालिफायर यानी कि डिटरमाइनर यानी कि वह, उसके बाद विशेषता यानी कि ब्यूटीफुल सुंदर, उसके बाद मेन वर्ड यानी कि चाइल्ड, और उसके बाद उस लड़के की और एक विशेषता बताई गई है कि वो नीले कपड़े पहने हुए है। तो नीले कपड़े पहने हुए वह सुंदर लड़का मुस्करा रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस द टेम्पो हेयर कम्स, यहाँ टेम्पो आते हैं, क्या आते हैं? टेम्पो यानी किसी विशेष टेम्पो की बात हो रही है और मेन वर्ड क्या है? टेम्पो, द टेम्पो कम्स हेयर। तो डियर स्टूडेंट आई वॉन्ट टू टेल यू, मैं आपको बताना चाहता हूँ एक जो सब्जेक्ट होता है वो चार हिस्सों में
उसको बांटा जा सकता है, सबसे पहले डिटरमाइनर यानी कि वो कितनी संख्या में है, उसके बाद उसकी विशेषता यानी एडजेक्टिव, तीसरा होता है हेडवर्ड और चौथा होता है आपका एडजेक्टिव फ्रेज यानी उसकी विशेषता को और बढ़ाकर बताया जाता है, और उसके बाद आपका प्रेडिकेट पार्ट जो होता है वो स्टार्ट होता है। तो डियर स्टूडेंट एन एडजेक्ट अ सब्जेक्ट हैज़ फोर पार्ट्स, डिटरमाइनर यानी कितनी संख्या में है, वह कौन है, देन एडजेक्टिव यानी विशेषता, उसके बाद हेडवर्ड जो नाउन या प्रोनाउन के रूप में होता है, और यदि सब्जेक्ट की विशेषता को और अधिक बताया गया है तो वह एडजेक्टिव फ्रेज के एडजेक्टिव फ्रेज में चला जाता है। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब यू द प्रेडिकेट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अब मैं आपको जो सेंटेंस का प्रेडिकेट पार्ट होता है इसको समझाने की ओर जा रहा हूँ। और प्रेडिकेट पार्ट जो होता है डियर स्टूडेंट्स वो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब से स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब से स्टार्ट होता है। तो हेल्प कनक यानी कि वर्ब है, वर्ब भरत की, किसकी, कनक की, यानी कि हेल्प वर्ब है और कनक क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो दो होते हैं यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो व्यक्ति होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर जो आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं उनको व्यक्ति कहा जाता है, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं उनको वस्तु कहा जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। हेल्प कनक यानी किसकी मदद की, हेल्प वर्ब है यानी ऑब्जेक्ट, यानी कि यहाँ से प्रेडिकेट पार्ट स्टार्ट होता है। किसकी मदद की, कनक की, कनक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर सिंगल ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, तो यहाँ पर हम इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। सेंग आ सॉन्ग, उसने गाना गाया, तो वर्ब से हमारा प्रेडिकेट पार्ट स्टार्ट हुआ, और क्या गाया, एक गाना, एक गाना जो भी हम, क्योंकि सिंगल ऑब्जेक्ट है इसलिए आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कन्फ्यूज नहीं होना है, राइट। गेव मी आ पेन, गेव वर्ब है, यहाँ से हमारा प्रेडिकेट पार्ट शुरू हुआ, मी यानी कि मुझको, आ पेन यानी कि अ पेन। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स डबल ऑब्जेक्ट का यूज किया गया है, और जब डबल ऑब्जेक्ट होता है तो पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, यानी पहले व्यक्ति आता है और बाद में वस्तु आती है। तो समझने वाली बात है डियर स्टूडेंट्स की एक सेंटेंस में जो बस व्यक्ति होता है वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जो वस्तु होती है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन कभी कभी हम सेंटेंस को पलट भी देते हैं। गेव मी आ पेन, यहाँ पर हमने क्या किया, देखिए सेंटेंस को पलट दिया, तो यहाँ पर मी भी ऑब्जेक्ट है, आ पेन भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मी आ पेन, उसने मेरे को पेन दिया। सेंग मी आ सॉन्ग, उसने मुझे एक गाना गाया, यानी मी एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या हो गया, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, व्यक्ति है, आ सॉन्ग, यानी इसको पलट भी सकते हैं। सेंग अ सॉन्ग फॉर मी, अगर ऐसा करेंगे तो पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा और बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट चला जाएगा। यानी अगर टू और फॉर से कोई सेंटेंस जुड़ा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट टू या फॉर जुड़ा हुआ है, तो निश्चित रूप से हमारा जो क्रम है वो बदल जाता है। साधारणतया पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, पहले व्यक्ति आता है, फिर वस्तु आता है। लेकिन यदि हम टू या फॉर से ऑब्जेक्ट को ऐड कर देते हैं तो हमारा जो स्थान है वो बदल जाता है। नेक्स्ट है गेव मी आ हॉर्स, उसने मुझे घोड़ा दिया, मी भी ऑब्जेक्ट है, आ हॉर्स भी ऑब्जेक्ट है, मी व्यक्ति है, इनडायरेक्ट, आ हॉर्स डायरेक्ट, सेम द सेम इसी प्रकार ये सेंटेंस है। और कभी कभी हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा जीरण भी हो सकता है, जीरण का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लगा देना, भी एक तरह से हमारा क्या कहलाता है, हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। एंजॉयड स्विमिंग, उसने आनंद उठाया, किस चीज़ का, स्विमिंग का, यानी कि नहाने का। डिसलाइक, उसको नापसंद है, क्या नापसंद है, एब्यूजिंग यानी गाली देना, अपशब्द बोलना उसको पसंद नहीं है, इसलिए यहाँ पर डिसलाइक वर्ब है जो कि प्रेडिकेट स्टार्ट होता है, और एब्यूजिंग ऑब्जेक्ट है, ये जीरेंडियल ऑब्जेक्ट है। प्रॉमिस टू वेट, यानी कि उसने मुझसे वादा किया इंतजार करने का, जब हम क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा देते हैं तो वो हमारा इन्फिनिटिव ऑब्जेक्ट कहलाता है, उसने मुझसे वादा किया किस चीज़ का, इंतजार करने का। और प्रॉमिस मी टू हेल्प, फिर से हम देख रहे हैं यहाँ पर डबल ऑब्जेक्ट है, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, टू हेल्प इन्फिनिटिव के रूप में आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो डियर स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, सब्जेक्ट पार्ट एंड प्रेडिकेट पार्ट। इन वेरी शॉर्ट वे आई वुड लाइक टू टेल यू, बहुत कम शब्दों में अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि एक सेंटेंस जो होता है वो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। सब्जेक्ट चार हिस्सों में हो सकता है, सबसे पहले
सबसे पहले जो है वो आपका आता है डिटरमाइनर, उसके बाद आता है एडजेक्टिव, फिर आता है हेडवर्ड, फिर एडजेक्टिव फ्रेज, और उसके बाद आता है प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट पार्ट आपका हेल्पिंग वर्ब्स या वर्ब से स्टार्ट होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट हो सकता है व्यक्ति के रूप में, ऑब्जेक्ट डायरेक्ट हो सकता है वस्तु के रूप में, ऑब्जेक्ट इन्फिनेटिव हो सकता है 2+V1 का यूज करके, ऑब्जेक्ट जीरंड हो सकता है V1+ING लगाकर। सो डियर स्टूडेंट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज टू टेबल्स, इन दोनों टेबल्स को समझने की कोशिश करें। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क टू मी।